हेलो बच्चों बच्चों, आज हम लोग नौ भारतीय हिंदी पाठमाला का पाठ चार याद करे वर्णमाला का रिवीजन करेंगे। पाठ चार याद करे वर्णमाला को बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आज हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। स्वर बच्चों, हमने पढ़ा है कि कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेके औ तक 11 स्वर होते हैं। अमहा को अयोगवा कहा जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं व्यंजन। बच्चों हमने पढ़ा है व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं। और चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र, अड़ा और अढ़ा, ये उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग नौ भारतीय हिंदी पाठमाला का पाठ पांच बिना मात्रा वाले शब्द का रिवीजन करेंगे। बच्चों पाठ पांच बिना मात्रा वाले शब्द को हमने पहले भी पढ़ा है। चलिए बच्चों आज शॉर्ट में एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब बस कर दो अक्षरों वाले शब्द, देखो पढ़ो और समझो। बच्चों नीचे चित्र दिए हुए हैं, इसे हम देखेंगे फिर पढ़ेंगे फिर समझेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, ये पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है घर का। चलिए बच्चों देखते हैं घर कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। घर, घर। देखते हैं बच्चों दूसरा चित्र, ये दूसरा चित्र किसका है बच्चों? कप का। चलिए बच्चों देखते हैं कप कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। कप, कप। अब देखते हैं बच्चों तीसरे चित्र को, ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? फल का। चलिए बच्चों देखते हैं फल कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। फल, फल। अब देखते हैं बच्चों आगे पढ़ो। कब, झट, हट, चल, पल, मन, कल, सच, सब, मत। पढ़ो और सुनाओ। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अब बस कर घर पर चल, हट मत कर। अब फल चख आ कर पढ़, सच सच कह डर मत, कल 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 मत कह, बस पर चढ़ जब तब हट मत कर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आगे। करण, कलम, पकड़, तीन अक्षरों वाले शब्द, देखो पढ़ो और समझो। बच्चों देखो नीचे चित्र दिए हुए हैं, इन्हें हम देखेंगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देखते हैं बच्चों पहले चित्र को, पहला चित्र किसका है बच्चों? बतख का। देखते हैं बतख कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। बतख, क्या बना बच्चों? बतख। अब देखते हैं बच्चों दूसरे चित्र को, ये दूसरा चित्र किसका है? कमल का। चलिए बच्चों देखते हैं कमल कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। कमल, कमल। अब देखते हैं बच्चों ये तीसरा चित्र, ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? कलश का। चलिए बच्चों देखते हैं कलश किन किन अक्षर से मिलकर बना है। कलश, कलश। पढ़ो। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अमन, अमन। रमन, रमन। मगर, मगर। कलम, कलम। मटर, मटर। भरत, भरत। सड़क, सड़क। चरण, चरण। भवन, भवन। गगन, गगन। पढ़ो और सुनाओ। करण, कलम, पकड़, पवन, रमन, अमन, घर, चल, सड़क पर ठहर, ठहर कर मत चल, इधर उधर मत कर, भवन पर कलश रख, करण भजन कर, छत पर मत चढ़, अब अकड़ मत, कलम पकड़ कर चल। अब देखते हैं बच्चों आगे। अकबर, अनवर, असलम, चार अक्षरों वाले शब्द, देखो पढ़ो और समझो। बच्चों नीचे चित्र दिए हुए हैं, इसे हम देखेंगे पढ़ेंगे फिर समझेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है अजगर का। चलिए बच्चों देखते हैं अजगर कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। अजगर, क्या बना बच्चों? अजगर। अब देखते हैं
दूसरे चित्र को एक दूसरा चित्र किसका है बच्चों? अदरक का। चलिए बच्चों देखते हैं अदरक कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। अदरक क्या बना बच्चों? अदरक। अब देखते हैं बच्चों तीसरे चित्र को, ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? उपवन का। चलिए बच्चों देखते हैं उपवन कौन कौन से अक्षर से मिलकर बना है। उपवन, उपवन। पढ़ो, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। अक्षरज, सरकस, झटपट, पनघट, अचकन, नटखट, बरगद, खटमल, चम, कटहल। पढ़ो और सुनाओ। अकबर, अनवर, असलम, बंठन कर चल, अक्रम गड़बड़ मत कर, बर्तन रख कर चल, अब अचकन पहन कर उपवन चल, अजब वह अजगर, अकबर कसरत कर, अचरज मत कर। ओके बच्चों, बच्चों अब हम करेंगे आगे अभ्यास का रिवीजन, मौखिक सही उच्चारण करो। चलिए बच्चों सही उच्चारण करते हैं। फल, घर, कर, कलम, अमन, इधर, अजगर, नटखट, उपवन। लिखित, लिखित का फर्स्ट है प्रश्न है बच्चों, चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर सही निशान लगाओ। बच्चों चित्र दिए हुए हैं, नीचे चित्र दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, दो नाम में से जो सही नाम है उस पर ही हमें सही का चिन्ह लगाना है। ये चित्र किसका है बच्चों? बस का। यहाँ पर कौन कौन से नाम दिए हुए हैं? बस और घर। चित्र बस का है तो हमने बस पर सही का चिन्ह लगाया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा चित्र, दूसरा चित्र किसका है बच्चों? कमल का है ना, और यहाँ पर कौन कौन से दो नाम दिए हुए हैं? कलम और कमल। बच्चों चित्र कमल का है इसीलिए हम कमल पर ही सही का निशान लगाएंगे। बच्चों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, अक्षरों को मिलाकर लिखो। बच्चों यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं इसे मिलाकर के हम नीचे लिखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, फर्स्ट नंबर इसमें दिया है स और ब, तो हम नीचे लिखेंगे स और ब, तो क्या बना? सब। यहाँ पे दिया है बच्चों मटर, तो सबको मिलाकर के लिखे नीचे तो क्या बना बच्चों? मटर। यहाँ पे दिया है अ, द, र और क, इन सबको मिलाकर के नीचे लिखा तो क्या बना बच्चों? अदरक। ये भी करे शब्द पहली पूरी करो। बच्चों यहाँ पर शब्द पहली दी हुई है, इन शब्द पहली के खाली बॉक्स में हमें अक्षर लिख करके शब्द पहली को पूरी करना है। देखिए बच्चों इसमें से एक वाक्य, एक जो फर्स्ट वाली शब्द पहली है वो पहले से पूरी है, पुस्तक में पहले से इसे पूरा कर दिया है। चलिए इसे पढ़ते हैं, इधर से हम पढ़ेंगे तो क्या बना? गरम, गरम, और इधर से पढ़े तो नरम, नरम। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हमने इस सेकंड वाली शब्द पहली में के खाली बॉक्स में क लिखा, क लिखने से शब्द पहली पूरी हो गई। चलिए बच्चों देखते हैं क्या बना? पकड़, पकड़, और इधर से अकड़, अकड़। अब देखते हैं बच्चों अगला, अगले वाली शब्द पहली के खाली बॉक्स में बच्चों हमने लिखा ट, ट लिखने से शब्द पहली पूरी हो गई। देखिए बच्चों जितने भी खाली बॉक्स है उसमें हमने ट लिखा है। चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं, झटपट, इधर से क्या बना? झटपट, और इधर से नटखट, इधर से क्या बना? नटखट। ओके बच्चों, बच्चों मैंने पार्ट पांच बिना मात्रा वाले शब्द में आप लोगों को दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द और अभ्यास का रिवीजन कराया है। बच्चों इसे आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे